खाने पीने की चीजें तो हम आपको डेली ही दिखा रहे होते हैं, लेकिन आज वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जहर कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, खैनी यानी कि भारतीय तंबाकू की मेकिंग। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है, तंबाकू के सेवन को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हैं भारतीय तंबाकू कैसे बनाया जाता है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो अभी हमें कोलकाता में जहाँ पर सड़क किनारे बिल्कुल फ्रेश तंबाकू बनाकर बेचा जाता है, वो भी लाइव आपकी आंखों के सामने। तो देखिए, खैनी बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने तंबाकू के पत्ते ले लिए हैं जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से मंगाए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि तंबाकू के पेड़ से कोई भी पत्ता तोड़ लिया जाए तो उसी से खैनी बन जाएगी। होता यह है कि जब तंबाकू का पेड़ बड़ा होता है तो ऊपर से उसे कट कर दिया जाता है और नीचे के केवल 15-20 पत्ते ही छोड़े जाते हैं। फिर उसी पेड़ में पानी और पोषण दे देकर उन 15-20 पत्तों को ही बड़ा किया जाता है, क्योंकि निकोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा उन्हीं पत्तों में होती है और उन्हीं पत्तों से अपनी खैनी बनती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्ते हैं वो आपको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल सूखे हुए हैं, लेकिन ये भी कोई नॉर्मल सूखे हुए पत्ते नहीं है। इन्हें स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है जिसमें पेड़ से इन पत्तों को कट करने के बाद धागे में पिरोया जाता है और लकड़ी से बांधकर छत से लटका दिया जाता है एक बंद कमरे में, जहां पर ये कोई एक महीना सूखते हैं। उसके बाद इस कमरे को खोला जाता है, कमरे की जमीन पर लकड़ी का बुरादा डाला जाता है जिस पर एक खास तरह का केमिकल छिड़का जाता है। फिर उस बुरादे में आग लगा के कमरा फिर से बंद कर दिया जाता है। उस बुरादे की आग से जो केमिकल मिला हुआ धुआं निकलता है वो इन पत्तों में रम जाता है, जिससे इन पत्तों का फ्लेवर और बढ़ जाता है। वहां से निकालने के बाद इन्हें मार्केट में भेजा जाता है खैनी तैयार करने के लिए। तो इसी तरीके से तैयार पत्ते अपने यहाँ पर लिए गए हैं और आपने देखा कि भैया ने उन पत्तों में से डंडी अपनी अलग निकाल दी थी और उन पत्तों को बीच में तोड़ के उनकी एक गुच्छी सी बनाई थी। उस गुच्छी को इस मशीन के अंदर घुसाया है जहाँ पे इसे अब ये कट कर रहे हैं। और ये जो कटिंग होती है ये भी हर बंदा नहीं कर सकता है, ये बहुत ही प्रेसिजन कटिंग होती है, मतलब कि बिल्कुल सेम साइज के कट के निकलने चाहिए। तो एक्सपीरियंस वाले कारीगर इस काम को कर सकते हैं जिनके हाथों में बैलेंस होता है कि हर बार बिल्कुल सेम साइज का कट के निकले। और कटने के बाद ये जो चीज नीचे गिर रही है इसी को गाइस खैनी बोलते हैं, सुरती भी इसी को बोलते हैं, जिसके आपने विज्ञापन देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स इनके ऐड करते हैं इनडायरेक्ट तरीके से, ये जानते हुए भी कि इन्हें कंज्यूम करने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक हो सकती है और इन्हें कंज्यूम करने वाले मेल मेंबर्स के अंदर इंपोटेंसी तक आ सकती है, यानी कि उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बावजूद भी लोग इसका खुलेआम प्रचार करते हैं, खुलेआम इसे खाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सड़क पर खुलेआम ये बनता हुआ दिख ही रहा होगा। तो देखिए, सारा ये अपना काट लिया गया है, इसको भैया ने हाथ से थोड़ा भुरभुरा सा किया और उसके बाद ये प्लास्टिक की डिब्बी के अंदर भर दिया है। लेकिन खैनी अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, क्योंकि खैनी कभी अकेली नहीं खाई जाती, इसके साथ खाया जाता है चूना। तो ये जो देखिए व्हाइट कलर का केमिकल सा आपको नजर आ रहा है, ये अपना चूना है, एक तरफ डिब्बी में खैनी दी है, एक तरफ चूना, और ये अपना आप तैयार हो गया है। खैर, जैसे कि कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जो लोग इस खैनी को कंज्यूम करते हैं उनका कहना यह होता है कि इससे फायदे भी होते हैं, जैसे कि इसे खाने के बाद फील गुड इफेक्ट आता है, सब अच्छा लगने लगता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, भूख ज्यादा लगती है। बट मेरा मानना यह है कि इन 3-4 छोटे मोटे फायदों के लिए एक इतनी जानलेवा खतरनाक चीज को कंज्यूम करना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी इसके बारे में क्या राय है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।